गुड इवनिंग दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैं एक डिवाइस पेश कर रहा हूँ जिसे मैंने घर पर बनाया हुआ है। और ये जो डिवाइस है स्पेशल आपका दिवाली के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो स्विच लगा रखा है और जो कि आपका दो तरह काम करता है, जो कि दोस्तों दिवाली के बहुत ही स्पेशल डिवाइस है। यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है, दो इंडिकेटर मिलता है, एक एंटीना मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ही मजबूत से बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पर किसके इस्तेमाल होता है और उसको हम कैसे आसानी से बना सकते हैं और कैसे हम इसको दिवाली पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जो कि बनाने का वीडियो है, जो कि फुल मेकिंग वीडियो है, वो मेरा आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हो। दोस्तों आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हो आरसी इन्वेंशन को, वहां पर जो पहला आएगा वो मेरा चैनल होगा, जहां पर आपको कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाओगे, कैसे आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे, जो काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाने को सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम बैटरी ओवर बात करने वाले हैं कि अगर हम बैटरी कहीं से रिमूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा टर्मिनल को यहाँ पर रिमूव करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव को रिमूव करना चाहिए या फिर नेगेटिव को रिमूव करना चाहिए। दोस्तों वैसे जब हम घर पर जो पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए तो फेज को हम कंट्रोल करते हैं, और जब हम रिमूव करते हैं तो पहले हम फेज को रिमूव करते हैं, ठीक है। और किसी अगर सर्किट वगैरह होता है तो वहाँ पर अगर बैटरी लगा हुआ होता है तो वहाँ पर हम सबसे पहले पॉजिटिव को रिमूव करते हैं और स्विच लगाते हैं, वो भी हम पॉजिटिव पर ही लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें व्हीकल वगैरह की, अगर हम बात करें कार की या फिर बाइक की, ठीक है, जितने भी सारे व्हीकल है तो उन सब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो बैटरी लगता है, वो चाहे 12 वोल्ट का या फिर 24 वोल्ट का हो। तो अगर हम उस बैटरी को रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले कौन सा वाला टर्मिनल को हमें रिमूव करना चाहिए, तो इसके ऊपर आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर हमें सबसे पहले पॉजिटिव को रिमूव करना चाहिए तो ये गलत बात है। वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले नेगेटिव को ही रिमूव करना चाहिए। और ऐसा ही होता है जब व्हीकल वगैरह में कोई बैटरी को रिमूव किया जाता है, जब बैटरी चेंज होता है या फिर हम बैटरी के टर्मिनल को खोलते हैं किसी कारण, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले नेगेटिव को ही रिमूव किया जाता है। हम यहाँ पर कोई लोड वगैरह चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन हम लेते हैं नेगेटिव से और एक कनेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव से, ठीक है, तभी जाकर हमारा जो लोड है ये काम करता है। और अगर हम यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाता है शॉर्ट सर्किट। और हमें पता है शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करेंट जो होता है यहाँ पर इन्फिनिट अमाउंट का यहाँ पर करेंट फ्लो होता है, यानी कि जितना करेंट बैटरी दे सकता है उतना करेंट यहाँ पर फ्लो नहीं करता, उस वजह से क्या होता है आपका बैटरी डैमेज होता है, आपका वायरिंग भी जल जाता है, ठीक है। तो यही कुछ रीजन होता है कि हमें सबसे पहले नेगेटिव को रिमूव करना होता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर हम पॉजिटिव को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है, कैसे यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। पता है जितने सारे व्हीकल होता है उसका जो बॉडी होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, वहाँ पर आयरन का इस्तेमाल होता है, और तो जो कार वगैरह होता है वहाँ पर एल्यूमिनियम बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो एल्यूमिनियम होता है ये भी एक तरह का गुड कंडक्टिविटी यहाँ पर साबित होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम के अंदर भी करेंट जो इजिली फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो कि व्हीकल वगैरह होता है वहाँ पर क्या करते हैं कि जो नेगेटिव होता है, जो बैटरी जो कि नेगेटिव होता है, इसको हम क्या करते हैं कि पूरे बॉडी में हम भेज देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बॉडी है तो हम क्या करते हैं कि पूरे बॉडी को नेगेटिव हम कनेक्शन कर देते हैं। अब ये जो पूरा बॉडी है ये आपका भी नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक एलईडी लाइट लगाएं या फिर कोई हॉर्न वगैरह लगाएं या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम लगाएं, कुछ भी यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट लगाते हैं एक कार के अंदर या फिर कोई व्हीकल के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव होता है इसको जो हम ले लेते हैं बैटरी से, या फिर आपका जो पॉजिटिव कनेक्शन होगा वहाँ से हम ले लेते हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव हम कहाँ से लेना होगा, जो कि आपका कार का बॉडी होता है तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा आपका जो लोड है ये अभी काम करने लगेगा। और बेनिफिट क्या होता है, जब हम नेगेटिव को पूरा बॉडी के साथ कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो कि नेगेटिव वाला ऑयर है ये यहाँ पर मतलब कि यूज नहीं होता, और उसके वजह से यहाँ पर जो कि ऑयर है ये यहाँ पर बच जाता है। और तो अगर आप चाहो तो कहीं पर भी एक पॉजिटिव वायर लेकर के और बॉडी के साथ नेगेटिव लेकर के तो आप कुछ भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्ट करना थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पूरे बॉडी को यहाँ पर नेगेटिव कर लिया जाता है। तो अभी आप सोच रहे हो कि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। मैं बैटरी को रिमूव करना चाहता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक स्पैनर लेकर के बैटरी को खोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं पहले पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो मैं स्पैनर से पॉजिटिव को रिमूव कर रहा हूँ, और अचानक क्या होता है कि स्पैनर जो है मेरे हाथ से फिसल जाता है या फिर किसी कारण स्पैनर जो होता है वो बॉडी के साथ टच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि आपका स्पैनर है ये आपका बना हुआ है कंडक्टिंग मटेरियल से, जो कि गुड कंडक्टर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये आपका स्पैनर है और ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैं इसको खोल रहा हूँ। खोलते खोलते अचानक क्या होता है कि बॉडी के साथ टच हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ऑलरेडी पॉजिटिव साइड लगा हुआ है और आपका जो बॉडी है ये ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएगा
यहाँ पर अभी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर हैवी करंट फ्लो होगा, आपका वायरिंग भी जल सकता है या फिर आपका बैटरी जो है ये यहाँ पर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर नेगेटिव को पहले रिमूव करते हैं, और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव को रिमूव कर रहा हूँ और अचानक मेरे हाथ से अगर स्पैनर स्लिप भी कर जाता है तो गिरेगा कहाँ पर, बॉडी के ऊपर, और बॉडी नेगेटिव है, मैं खोल रहा हूँ नेगेटिव को, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव को रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं अगर पॉजिटिव यहाँ पर रिमूव करता हूँ और अगर गलती से भी स्पैनर जो बॉडी से टच हो जाता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव को ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो यही वजह होता है कि हमें सबसे पहले नेगेटिव को यहाँ पर ओपन करना चाहिए, वो चाहे कोई व्हीकल हो या फिर अगर कहीं पर बैटरी लगा हुआ है, जहाँ पर आपका एल्यूमिनियम बॉडी लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपको नेगेटिव को ही रिमूव करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो पर वीडियो बनाने का कारण ये है कि मुझे कमेंट आया था कि अगर हम बैटरी को रिमूव करें तो वहाँ पर हमें किस टर्मिनल को पहले रिमूव करना चाहिए, पॉजिटिव को या फिर नेगेटिव को। फिलहाल तो हम नॉर्मल केस में पॉजिटिव को पहले रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें व्हीकल वगैरह की या फिर जहाँ पर नेगेटिव को बॉडी के साथ कॉमन किया जाता है, तो वहाँ पर अगर आप बैटरी को रिमूव कर रहे हो तो वहाँ पर आप सबसे पहले नेगेटिव को ही रिमूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको बता दूंगा। अगर आपको मन कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।